उदाहरण चार, समीकरण x ऋण 7 बराबर 3 को हल कीजिए। हम उदाहरण चार का हल देख रहे हैं। प्रश्न में हमें एक समीकरण दिया गया है x ऋण 7 बराबर 3, जिसे हल करना है। इसको हल करने के लिए हम समीकरण के जो गुणधर्म हमारे पास हैं, समता के जो हमारे पास नियम हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। तो हम कहेंगे x ऋण 7, इसमें हम जब समानता के चार नियम का पालन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों पक्षों में 7 को जोड़ रहे हैं। हमने यहाँ पर समानता के नियम का पालन किया है और इसके बाद जो हल प्राप्त होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऋण 7 और धन 7 है, तो ये हो जाएगा x धन 0 बराबर 7 धन 3 हो जाएगा 10। तो हमें क्या मिला, x का मान मिल गया 10, और इस प्रकार यह समीकरण हल हुआ। उदाहरण 5, समीकरण 3x धन 5 बराबर 14 को हल कीजिए। हम उदाहरण 5 का हल देख रहे हैं। उदाहरण 5 में हमारे पास प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है, वह समीकरण है 3x धन 5 बराबर 14, जिसे हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए भी हम समानता के नियम का पालन करेंगे, उसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं 3x धन 5, और अब समानता के नियम के दूसरे नियम से इसमें हम दोनों पक्षों में 5 को घटा रहे हैं। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x धन 5 और ऋण 5 से 0, और 14 ऋण 5 से हमें मिलेगा 9। तो 3x बराबर हमें मिला 9, और पुनः दोनों पक्षों में हम अब क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो मिलेगा 3x बटे 3 बराबर 9/3। यहाँ भी हमने समानता के नियम का चौथे का पालन किया है, और इससे हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी, देखिए 3 से 3, 3 के पहाड़े से हम इसे काट सकते हैं, और 3 के पहाड़े से यहाँ भी हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 9। तो प्राप्त हो रहा है x बराबर 3। इस प्रकार इस समीकरण से हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ। उदाहरण 6, समीकरण 4x धन 5 पूरे के बटे 3 बराबर 15 को हल कीजिए। हम उदाहरण 6 का हल देख रहे हैं। उदाहरण 6 में हमें समीकरण दिया हुआ है 4x धन 5 बटे 3 बराबर 15। इस समीकरण को हमें हल करना है। इसके लिए समानता के नियमों का हम पालन करते हुए उसकी सहायता से इसे हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हम दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें, समानता के नियम से, के नियम 3 से। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा हल कर ले हम, तो हमें क्या मिलेगा, 4x धन 5, क्योंकि 3 जो है वो 3 के पहाड़े से हमने इसे काट दिया है, 3 एकम 3 3 एकम 3, और इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, 15 × 45। चलिए अब पुनः हम समानता के नियम दूसरे का पालन करेंगे, और फिर हम करेंगे 4x धन 5, और दोनों पक्षों में 5 को घटा देंगे। कहाँ से आया ये, समानता के नियम 2 से। चलिए अब हम उदाहरण 6 के हल का आगे देखते हैं, और हमें प्राप्त हो जाएगा अगला जो पद होगा वो होगा 4x बराबर 40, क्योंकि 5 से 5 घट गया तो वहाँ 0 प्राप्त हुआ, और 45 में से जब हमने 5 को घटाया तो हमें 40 प्राप्त हो गया है। अगला पद
चार एक्स और बराबर 40 में हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। कौन से नियम से? समानता के चौथे नियम से, नियम 4 से। तो अब हम देखेंगे कि हमें हल करने पर क्या मिल रहा है। 4 के पहाड़े से इसे काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये भी 4 के पहाड़े से हल होगा तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 10। x का मान हो गया 10। तो इस समीकरण से हमें x का कितना मान प्राप्त हुआ है? 10। इस प्रकार समीकरण हल हुआ।